Hey everybody, welcome back to another blog. मैं हूँ आप लोगों का यार सनाए और ये ब्लॉग बहुत ही बहुत जबरदस्त होने वाला है क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ पहाड़ों में, वापस कश्मीर के पहाड़ों में, पर इस बार दूसरा पहाड़ है। इस पहाड़ का नाम है एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, पर मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं मेरे को पिक करने के लिए और पिक करने के बाद मैं जाऊंगा सीधा उन लोगों के साथ ही। तो जहाँ जाऊंगा मैं आप लोगों को ऑब्वियसली बताऊंगा और फिर लेट्स सी कैसा होने वाला है आगे का ये ब्लॉग और ये वीडियो कैसा होने वाला है। मेरे ख्याल से तो गाइस बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो गाइस मिलते हैं बहुत ही जल्द ही पहाड़ों पे। सी यू गाइस। भाई कहाँ गए हम लोग अभी? जगह का नाम क्या है? रैयार। तो आ गए डायरेक्टली रैयार। यहाँ पे भी थोड़ा चिल सीन से गाइस, तो बहुत ज्यादा ट्रैवल करके बहुत ज्यादा पहाड़ों को काटते हुए पहुंच गए हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नजारा है गाइस, पूरा साफ पानी तार था यहाँ पे। ऐसे धीरे से हम लोग क्या करने हैं सैंडी भाई बताओ? जगह देखने आए थोड़ा सा, ये कुछ का हाट है ना, ये हाट है फराज का, कुछ फार्म है उस टाइप से है। चलो ये हाट है भाई का, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत बड़ा हो गया फराज भाई, तुम्हारा है ना ये? एक नंबर भाई का है ये, अपना मिलाद ब्रो। और भैया काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अंडर कंस्ट्रक्शन का जैसा सीन होते क्या लग रहा है। एक नंबर, क्या खा रहे हो मिलाद ब्रो? अरे एक नंबर पर ज़्यादा नहीं भाई। तो अभी हैं फिलहाल रियार की वादियों में, घूम रहे हैं, थोड़ा म्यूजिक का मजा ले रहे हैं और चढ़ाई चढ़ रहे हैं ऊपर ऊपर। साथ में है हमारे गाइस, दिखा दो ये हो गाइस, बहुत दूर ढूंढ रहे हैं। एक हट से अभी दूसरे हट पे पहुंच गए, अभी जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। ये मंजिल हमें कहाँ लेके जाएंगे? ओके गाइस, तो भी पहुंच गया हूं यहां के एक छोटे से लेक में। लेक मतलब थोड़ा सा बहता पानी है यहां पे। तो मेरा फ्रेंड का हट जो था वहां पे, मैंने जो आपको दिखाया था उसके पास में ही है। तो यहां पे हम लोग थोड़ा सा चिल करने आए हैं, थोड़ा सा नहाएंगे वहाएंगे, थोड़ा पानी में डुबकी उबकी लगाएंगे कश्मीर का। और गाइस पानी पे जितना भी बहता पानी है ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा है एकदम, अभी जस्ट ग्लेशियर से पिघल के आया तो इतना ठंडा है ना गाइस। तो फिर अभी वहीं पर जाना है डुबकी मारने आप लोगों के लिए, ठीक है? चलो क्या मैं बोल तो रहा था भाई जाएगी वो। तो गाइस ये देखो इसमें है एकदम नेचुरल सा फेस वॉश, इसको भी मैं लगाने वाला हूँ, इसे कहते हैं मड। गाइस ये सुना है बहुत ही अच्छा होता है ये भाई, यहाँ पे ना जो रेत होता है ना वो आता है सीधा पहाड़ों से और ये पानी भी आ रहा है सीधा पहाड़ों से फिल्टर होके, तो इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स है। तो गाइस ये है थोड़ा सा इसको लगाया जाए, इसको थोड़ा और थोड़ा पानी में डुबकी मारा जाए, तो देखते हैं कितना टाइम जाता है, कितना क्या होता है। गाइस कैसा लग रहा हूँ? आई होप ठीक लग रहा होगा। अभी थोड़ा देर इसको सूखने देते हैं फिर जाते हैं पानी में डुबकी मारने। चलो अभी हो गया ऑलमोस्ट 10-15 मिनट तो ये सूख गया, पहले हाथ साफ कर लेता हूँ उसके बाद जाता हूँ डुबकी मारने। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ओह गाइस स्किन तो थोड़ा सा चमक रहा है।
ओके गाइस, तो फिलहाल अभी वहाँ पे जाके नहा धो के वापस आ चुके हैं एक जगह जिसका नाम है शेख उल आलम रेस्टोरेंट, और यहाँ पे जाएंगे कुछ खाने, देखते हैं क्या मिलता है। दोस्त लोग सब चले गए, मैं धीरे से जाऊंगा बैक से पीछे, अपना तो अलग स्वैग है भाई, आप लोग पता ही। चलो तो भी आ गया यहाँ पे शेख उल आलम रेस्टोरेंट, दोस्त बैठे हैं सब, यहाँ पे आएगा कुछ खाने के लिए, मंगाया जाएगा, खाएंगे ना भाई। क्या ऑर्डर कर रहे हैं भाई? हम केक। फंडा में बाद में बताऊंगा उसको खाने के बाद। साथ में है रोटी, है तो सबसे पहले इसको हटा दो। ओके गाइस, सबसे पहले से टेस्ट किया जाए, रोटी डाला जाए, इसको डाला जाए आरके केके में। डाल दिया है गाइस, लवलीज दिख रहा है दिखने में। बहुत ही मसालेदार, बहुत अच्छी, लजीज, जूसी है। और उसके सामने क्या होगा? केके और आरके का सीन ये है गाइस कि ये जो पीस दिख रहा है ना आपको, ये है आपका रिश्ता कांति जो कि एक पीस है, और ये अलग वाला जो है ना गाइस, ये है आपका कबाब कांति। गाइस दोनों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और एक पीस खाते हैं। किलर सा है गाइस, ज़रूर ट्राई करना है वाला, मिलता हूँ। आप बनाते हो ना अंकल? हाँ, बहुत ही टेस्टी बनाया था अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। तो गाइस खा के बहुत मज़ा आया, अगर आप भी कभी आते हो इस तरफ जिसका नाम है रियाद, गाइस यहाँ पे जरूर आना। अच्छा, ओ भैया का दुकान भी है वहाँ पे दूर पे, जब भी अगर आप यहाँ पे आओ तो शेख उल आलम के रेस्टोरेंट पे जरूर आना यार, बहुत ही सही केके और आरके दोनों मिलते हैं। गाइस तो अभी फिलहाल वहाँ से रेस्टोरेंट से निकल के आ गए यहाँ पे, और अभी जा रहे हैं सीधा अपना घर, और घर जाते वक्त एक बहुत ही खास चीज देखने को मिला गाइस यहाँ के वादियों में, वो है द चांद एंड द सूरज टुगेदर। गाइस सी, चांद पे लिखा सोनार, देखो चांद, हाँ, और इस तरफ है आपका सूरज। गाइस देखिए ऐसा टाइम पे ऐसे स्थिति पे खड़े हैं हम लोग, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देख के, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। देखो चांद इस तरफ, और इस तरफ है सूरज गाइस, नो कट्स एंड ऑल। ओके तो गाइस इतना ही बोल के आज का ये ब्लॉग भी यहीं पे खत्म कर देंगे, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं हूँ आप लोगों का यार सुनार, मिलता हूँ बहुत ही जल्दी अगले ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, चबा खैर गाइस, माशाल्लाह। इस तरफ दिखाना भाई, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में कोई। जिंदगी एक सफर है और कहानियां हैं गुमनाम, जिंदगी एक सफर है और कहानियां हैं गुमनाम, पहुंच तो जाऊंगा मैं अपने मंजिल तक, पर वहां तक पहुंचाना है आपका काम।